Hello friends and dear students, today we will discuss structure activity relationship of quinolones and quinolone derivatives. Quinolones या quinolone derivatives जो हैं वो antimicrobial agents के रूप में बहुत ही ज़्यादा famous हैं और different जो famous drugs हैं like ciprofloxacin, norfloxacin, etc. वो quinolone derivatives के अंतर्गत ही आती हैं. अगर हम बात करें इसके एक general structure के बारे में जो कि क्यूनोलोन या क्यूनोलोन डेरिवेटिव का दिखाई देता है, इट इज़ अ फ्यूज रिंग. और इस फ्यूज रिंग में जो है वो हम नंबरिंग कर सकते हैं. फ्यूज रिंग में हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जहाँ पे एक नाइट्रोजन भी होता है, तो नाइट्रोजन से ही हम लोग इसकी नंबरिंग करते हैं. तो टोटल यहाँ पर इसकी नंबरिंग आप इस प्रकार से कर सकते हैं, फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन, थर्ड पोजिशन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड एट्थ. ठीक है, नाइन्थ एंड टेंथ ये फ्यूज रिंग है. तो ये जो टोटल जो एरिया है इसका, इसमें आप देख रहे हो कि कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली हमको दिखाई दे रही हैं, जैसे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक जो है ऑक्सो या कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कुछ दिखाई दे रहा है. और ये सारी की सारी चीज़ों को अगर हम कम शब्दों में समझने की कोशिश करें एक जनरल वे में, तो हम देख सकते हैं कि जो ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है या ऑक्सो ग्रुप जो लगा हुआ है तीसरे और चौथे पोजीशन पे, इट इज़ इसेंशियल फॉर गाइडेंस बाइंडिंग. ये रिसेप्टर पे बाइंड करने के लिए और बैक्टीरियल ट्रांसपोर्ट के साथ जो है जुड़ने के लिए ज़रूरी है आपको ये इस तरीके का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होना. नेक्स्ट जो आपका नाइट्रोजन है पहले नंबर पे, उस नाइट्रोजन पे अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, जैसे स्मॉल कोई सब्स्टिट्यूशन है लाइक एल्किल ग्रुप का या इथाइल ग्रुप का या यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप का हम करते हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव एक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है. और ये जो सब्स्टिट्यूशन है या ये जो ग्रुप है ये कंट्रोल करता है हमारे कंपाउंड की पोटेंसी की और उसके फार्माकोकाइनेटिक्स को भी ये कंट्रोल करता है. अगर आप इस फिफ्थ पोजीशन पे आर ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूशन अगर आप करते हो, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये हमारे प्रोडक्ट की पोटेंसी और ग्राम पॉजिटिव एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है. जो सिक्स कार्बन है वहाँ पर फ्लोरो ग्रुप का होना बहुत ही एसेंशियल है. यहाँ पर जो फ्लोरो ग्रुप रहता है वो आपके प्रोडक्ट को एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की अच्छी एक्टिविटी या पोटेंट एक्टिविटी जो है प्रदान करता है. नेक्स्ट जो सातवें पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सब्स्टिट्यूशन होता है. अगर यहाँ पे आप जितने भी सब्स्टिट्यूशन करेंगे लाइक आप यहाँ पर पिप्राजीन कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग हम लोग यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक रिंग का प्रोडक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पिप्राजीन का, या फिर आप पायरोलिडीन रिंग यहाँ पे लगा सकते हैं. और ये जो पांच या छह मेंबर्ड नाइट्रोजन रिंग होती हैं ये कंट्रोल करती हैं पूरे के पूरे कंपाउंड की पोटेंसी को, उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को, और उसकी पोटेंसी को ये बढ़ाते भी हैं. नेक्स्ट जो हमारा लास्ट सब्स्टिट्यूशन हो सकता है वो हो सकता है कार्बन नंबर एट पर यहाँ पर. और इस एट पे हम लोग जब भी कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं लाइक जैसे मिथाइल ग्रुप का कर सकते हैं, फ्लोरीन का कर सकते हैं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक क्लोरीन का कर सकते हैं, देन ये एक्टिविटी को हमारे इंक्रीज कर देता है और एक खास एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, दैट इज़ एनारोबिक बैक्टीरिया की जो को मारने की जो है एक्टिविटी जो है इसकी इंक्रीज हो जाती है. आइए अब एक एक पोजीशंस को, ये तो हो गया शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप चाहें तो इसी को तैयार कर सकते हैं. नेक्स्ट आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेकर के प्रत्येक पोजीशंस पे होने वाले स्ट्रक्चर में बदलाव पर क्या एक्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है इसको हम लोग देखेंगे. तो क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हमें स्ट्रक्चर से जो है बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए. इसी के साथ ही साथ आप जो है इसके क्लासिफिकेशन को भी देख सकते हैं अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दें. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन नंबर वन की. पोजीशन नंबर वन मतलब इस नाइट्रोजन पे जो आपका ये जो पोजीशन नंबर वन बन रही है इस रिंग में उसकी बात करने जा रहे हैं. तो पोजीशन नंबर वन पे एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन एटम बहुत ज़रूरी होता है. आप इसके जितने भी एग्जांपल देखेंगे आप देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजन है वो एक एक बॉन्ड यहाँ पे रिंग सिस्टम से बना रखा है, यानी कि दो बॉन्ड, और एक बॉन्ड जो है वो आप किसी भी सब्स्टिट्यूशन के साथ बना रहा है. यानी कि ये क्या है, एक ट्राई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजन एटम है. इसका यहाँ पर होना पोजीशन नंबर वन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. नेक्स्ट ऑप्टिमम जो है सब्स्टिट्यूशन जो कि किया जा सकता है, जो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है वो इथाइल ग्रुप का किया जा सकता है. अगर आप इस नाइट्रोजन पे जो ये आर आप लगा रहे थे अगर वहाँ पे आप इथाइल ग्रुप लगाते हैं तो आपको ऑप्टिमम या पोटेंट कंपाउंड मिलता है. जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन का एक एग्जांपल ले सकते हो. नॉरफ्लॉक्सासिन में नाइट्रोजन के ऊपर क्या हुआ होता है, इथाइल ग्रुप लगा होता है, तो ये एक पोटेंट कंपाउंड है, हम सभी को पता है. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चाहें तो इस नाइट्रोजन पे जो आर ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हो आर ग्रुप, ये आर ग्रुप आप चाहें तो
यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल या डाइफ्लोरोफिनाइल ईटीसी ग्रुप भी आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट में यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो लगा होता है, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन के केस में, या किसी आइसोथायजिन क्लोनोलिन के रूप में, या फिर आप सेप्रोफ्लॉक्सासिन या ईटीसी ऐसी कोई भी ड्रग होगी वहाँ पर आपको ये साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो दिखता है। कुछ और भी कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर आप डाइफ्लोरोफिनाइल ग्रुप भी लगा सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है टीमाफ्लॉक्सासिन का। तो टीमाफ्लॉक्सासिन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक डाइफ्लोरो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। तो इस तरीके के ग्रुप जो है हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं पोजीशन नंबर वन पे, और पोटेंट कंपाउंड जो है वो हमको मिलते हैं। आइए बात करते हैं पोजीशन नंबर थ्री की, क्योंकि पोजीशन नंबर टू पे कोई सब्स्टिट्यूशन हमको नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। पोजीशन नंबर तीन पे जो का आप देख रहे हो कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, इसके बारे में आइए बात करते हैं। तो पोजीशन नंबर तीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वहाँ पे कार्बोक्सिल फंक्शन जो है वो अगर है तो वो आपके लिए इसेंशियल होता है। यानी इस कंपाउंड में कार्बोक्सिल फंक्शन यानी थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो इसेंशियल है। अगर आप इस थ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी देयर इज एन एक्सेप्शन, एंड दैट एक्सेप्शन इज आइसोथायोजोल अगर ग्रुप लगा दे, दैट इज आइसोथायोजोल, यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ एच को हमने एन एच एस के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर आइसोथायाजोल ग्रुप जो है वो आ गया। अगर ये आइसोथायाजोल ग्रुप अगर हम यहाँ लगाते हैं तो इन विट्रो एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड का नाम है आइसोथायाजोल क्यूनोलोन, और इस कंपाउंड की एक्टिविटी, इन विट्रो एक्टिविटी जब चेक की गई तो इट इज मोर देन द सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यानी दो से चार गुना ज़्यादा जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन से ये इन विट्रो में एक्टिविटीज़ की बढ़ जाती है। और ये एकमात्र एक्सेप्शन है जहाँ पर आप इस ग्रुप को अगर रिप्लेस करते हैं तो एक्टिविटी बढ़ती है। ज़्यादातर जगहों पर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मॉडिफिकेशन करेंगे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आइए बात करते हैं पोजिशन नंबर फोर की, इस पोजीशन की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर ऑक्सो ग्रुप लगा है। तो यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि ये ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ है, और ये ऑक्सो ग्रुप जो है इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। अगर आप इस ऑक्सो ग्रुप को यहाँ से हटाएंगे तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पोजीशन नंबर पाँच की बात करें, ये जो पोजीशन है यहाँ पर भी आप देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर NH2 या CH3 यानी एमीन ग्रुप आप लगा सकते हैं, या मिथाइल ग्रुप अगर आप लगाते हैं तो इट विल बी इम्प्रूविंग द एक्टिविटी अगेंस्ट द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यानी अगर आप स्पेसिफिसिटी बढ़ाना चाहते हैं अपने ड्रग की कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर ज़्यादा अटैक करे, तो आप यहाँ पर पोजीशन नंबर पाँच पे NH2 या CH3 जैसा कोई ग्रुप लगा सकते हैं। जैसा कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सेप्रोफ्लॉक्सासिन का, स्पेयर फ्लॉक्सासिन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमने NH2 ग्रुप जो है वो लगा रखा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पोजीशन नंबर सिक्स की बात करते हैं। पोजीशन नंबर सिक्स मतलब ये वाला ग्रुप, ये जो पोजीशन नंबर सिक्स है इसकी बात हो रही है। पोजीशन नंबर सिक्स पे फ्लोरो ग्रुप जो है इसेंशियल है। अगर आप इस फ्लोरीन को यहाँ से हटाएंगे तो जो आपकी एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर फ्लोरीन ग्रुप का रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पोजीशन नंबर सेवन की। पोजीशन नंबर सेवन मतलब यहाँ की बात हो रही है, इस ग्रुप की बात हो रही है। इस ग्रुप पे जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर आप सेवन पोजीशन पे पिप्राजीन, एन मिथाइल पिप्राजीन या फिर पाइरोलिडीन जो रिंग है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप डिफरेंट ग्रुप्स की जो रिंग है वो आप लगाएंगे, पिप्राजीन के लगाएंगे या एन मिथाइल पिप्राजीन के लगाएंगे या पाइरोलिडीन रिंग के लगाएंगे, ये सब के सब एक्टिव कंपाउंड्स आपको यहाँ पर प्राप्त होते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हम लोगों ने अभी स्ट्रक्चर देखे थे, आप जितने भी ड्रग का देख रहे हैं, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन का आप देख रहे हो और आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन का देख रहे हो, इन दोनों जगहों पर क्या मिल रहा है हमको, पिप्राजीन रिंग जो है वो दिखाई दे रही है। चाहे आप टीमोफ्लॉक्सासिन देखिए, चाहे आप आइसोथायोजिन क्लोनोलिन देखिए, यहाँ पर भी पिप्राजीन यहाँ पर जो आप देखेंगे आइसोथायोजोल क्लोनोलिन जो मैंने बताया था, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, पिप्राजीन लगा हुआ है। अगर आप टीमोफ्लॉक्सासिन का देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको ये मिलेगा एन मिथाइल पिप्राजीन, ठीक है, एन मिथाइल पिप्राजीन जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर आप और कोई ड्रग का एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्पेरफ्लॉक्सासिन का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, पाइरोलिडीन जो है रिंग है वो मिल रही है। तो लीमोफ्लॉक्सासिन में भी पाइरोलिडीन रिंग जो है वो मिलती है। तो पोजीशन नंबर सेवन पे नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड हेटरोसाइक्लिक रिंग जब हम लगाते हैं तो हमारी एक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बात करते हैं लास्ट पोजीशन, दैट लास्ट पोजीशन इज पोजीशन नंबर एट, इसकी बात करेंगे अब हम लोग। तो पोजीशन नंबर एट जो है उसको अगर आप देखें तो
यहाँ पर अगर हम कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं वो हमारी स्पेसिफिसिटी को बढ़ा देते हैं, स्पेसिफिक बैक्टीरिया को मारने में मदद करते हैं और फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी को भी अल्टरेशन पैदा करते हैं, यानी कि फार्माकोकाइनेटिक एक्टिविटी पर भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने पर इफेक्ट पड़ता है। एक कोई फ्लोरीन का, क्लोरीन का या मिथाइल ग्रुप, जैसे कि आप कोई ऐसे कोई ग्रुप आप लगाते हो लाइक मिथाइल ग्रुप, लाइक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक क्लोरीन या फ्लोरीन ग्रुप आप लगाते हैं तो इंक्रीज कर जाती है एक्टिविटी, एक्टिविटी में इंक्रीजमेंट जो है वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करते हैं, मान लिया आप कोई भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं इस 8th पोजीशन पे, तब भी आपका हाइड्रोजन अगर वहाँ पर उपलब्ध है तब भी आपको पोटेंट कंपाउंड मिलते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं सेप्रोफ्लॉक्सासिन, जैसे भी ऊपर स्ट्रक्चर आपने देखा वहाँ पर क्या है, हमने एफ लगा रखा है, ठीक है। आप इसके साथ ही साथ अगर आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन या नॉफ्लॉक्सासिन का देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही है, यहाँ पर कोई भी जो है बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। चाहे सिप्रोफ्लॉक्सासिन देखिए चाहे नॉफ्लॉक्सासिन देखिए, वहाँ पे हाइड्रोजन है। लीमोफ्लॉक्सासिन में यहाँ पर फ्लोरीन होता है और क्लिनोफ्लॉक्सासिन में यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन ग्रुप होती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आप पोजीशन नंबर 8 पर सब्स्टिट्यूशन करके आप डिफरेंट एक्टिव कंपाउंड्स पा सकते हैं। तो ये थी बात आज के हमारे डेरिवेटिव, क्लोनल एंड डेरिवेटिव्स की और उनके सार की, जहाँ पर स्ट्रक्चर में आप कुछ भी जो बदलाव करेंगे इन सभी पोजीशंस पर तो आपके एक्टिविटी पे इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट आता है। और इस प्रकार के स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को पढ़ने से हम डिफरेंट नए नए कंपाउंड्स की सिंथेसिस कर सकते हैं या डिफरेंट जो मार्केट पे ड्रग्स अवेलेबल है उनकी एक्टिविटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उसको आंसर करूँगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।